खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सलेमपुर लोकसभा के सुखपुरा इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा में पहुंचे यूपी सरकार के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कहा कि हम संपत्ति की स्क्रीनिंग करेंगे तथा उसके तत्काल बाद दूसरे दिन बयान जारी करके कहा गया कि अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी विरासत टैक्स लगना चाहिए। इसमें कांग्रेस की मानसिकता झलकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमारे पैतृक बाप दादा की 50% संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हैं। कांग्रेस को इसका खमियाजना भुगतना पड़ेगा, उसके और भी दुर्दिन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीट मिलेंगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। उन्होंने कहा कि राहुल हो, प्रियंका हो या कांग्रेस का कोई नेता हो, वो फ्रस्ट्रेशन में है। उनके पास न कोई नीति है न एजेंडा है। पिछले 60-70 साल जिन्होंने देश पर निशासन किया, वे केवल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। ये केवल अपने बेटा बेटियों को सेट करने में लगे हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता झलकती है। जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम संपत्ति की स्क्रीनिंग करेंगे, आपके यहाँ जो गहने हैं उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके तत्काल बाद दूसरे दिन ही उन्होंने अपना बयान जारी करके कहा कि अमेरिका के तरह विरासत टैक्स भारत में भी लगना चाहिए, 50% आपकी पैतृक संपत्ति जो हमारे पूर्वजों की बाप दादे की संपत्ति है उस पर नजर कांग्रेस गड़ाए है। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस के और भी दुर्दिन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 0 सीट कांग्रेस को मिलेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर भारतीय जो है वो अरबी है, पूर्व वाले जो है वो चाइनीज दिखते हैं। देखिए, सैम पित्रोदा इस प्रकार की हमेशा कंफ्यूजिंग बात लोगों को गुमराह करने के लिए, भारत को समाज में बांटने वाली बातें करते रहते हैं और ये सब कांग्रेस की दिमागी हरकत है। कांग्रेस की ही सोच है इस प्रकार की है कि देश में हमेशा इस प्रकार की अव्यवस्था को उत्पन्न किया जाए। उत्पाद है, आप जानते हैं कि वो सब चरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस ने जिस तरह राहुल गांधी पूरे चुनाव से पहले अडानी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे, लेकिन चुनाव के समय में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के कोई नेता हो, ये फ्रस्ट्रेशन में है। इनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। पिछले 60-70 साल जो इन्होंने देश में शासन किया है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है और केवल अपने बेटा बेटी को सेट करने में विपक्षी पार्टियां लगी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है।